So today we'll be discussing division algorithm for polynomials. Okay, so let me just put a line so that we can differentiate how division is done between normal numbers and how we should be doing it for polynomials. ठीक है, तो suppose dividend हमारा है 20, राइट, एंड डिवाइजर फॉर एग्जांपल 3 है, और अगर मैं px दूं, यानी पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन x, ये सपोज मैं देता हूं आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो एक जीरो गिवन है हमारे पास वो है x प्लस 2, ठीक है, और हमें इसका एक और जीरो निकालना है क्योंकि डिग्री 2 है, तो इसलिए जीरो भी 2 होंगे. तो जब हम यहां करते हैं डिवीजन, तो हम क्या करते हैं, 20 लिखा, ठीक है, 3 से डिवाइड किया. हम टेबल देखते हैं कि 3 कितना टाइम्स यूज करें सो दैट या तो 20 मिल जाए या जस्ट लेस देन 20 मिले. तो 3 इंटू 6 18 होता है, तो 6 यहाँ लिख दिया, 18 आ गया ये, और रिमाइंडर 2 आ गया. इसको बोलते हैं हम कोशेंट, और ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर. ठीक है, यही सेम चीज़ हम यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, हमने यहाँ लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x या प्लस 1, मतलब ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया. डिवाइजर हमने ले लिया x प्लस 2 जो कि गिवन है. अब हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ चेक कर रहे थे 3 कितने टाइम्स करें सो दैट 20 के क्लोज आ जाए. अगर हम इसी को दूसरे तरीके से देखें, तो हमने क्या किया, हमने 20 को डिवाइड किया 3 से और एक होल नंबर अचीव किया जो कि 6 था. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर लिया, यानी कि पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म लेना होता है हमें. ठीक है, और यानी कि px का, और फिर gx का भी हम फर्स्ट टर्म ही लेंगे. मतलब फर्स्ट टर्म कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा, चाहे px में चाहे gx में, हम वो यूज़ करेंगे. तो हमने x लिया, यानी कि हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 3 हो गया. जब 20 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें 6 मिला था, वहाँ पे यहाँ पे हमें 2x मिला है. यही 2x, मतलब जो यहाँ पे 6 था वही हमारा कोशेंट बना था. तो ये 2x जो है, ये हमारा कोशेंट मिल गया हमें. ठीक है, 2x मिल गया कोशेंट. 2x से जब हम, अब हम 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोशेंट को जब हमने डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया तभी तो हमें 18 मिला था ना. तो उसी तरह कोशेंट को, यानी 2x को डिवाइजर से, यानी कि इसके फर्स्ट टर्म से, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा. तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस 2x है और ये 2 है, तो कितना आएगा, 4x, क्योंकि x की डिग्री 1 आ रही है, 4x, तो हम x की डिग्री की 1 वाले टर्म के नीचे ही उसको लिखेंगे. तो हमने लिख दिया 4x. ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, साइन चेंज करना होता है हमें. ये 2x स्क्वायर है तो इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. तो ये प्लस 2x, ये माइनस, मतलब ये प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और ये प्लस 3x, ये माइनस 4x, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ x, और रिमेनिंग टर्म कितना है, प्लस 1, तो उसको हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया. दोबारा से सेम प्रोसीजर करना है. फिर से हम क्या करेंगे, माइनस x लिया, यानी कि px का रिमेनिंग, अब ये वाला बचा है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, तो माइनस x ले लिया, इसको डिवाइड किया हमने gx के हाईएस्ट डिग्री से, यानी कि x से, तो क्या मिला हमें, हमें मिला ये, एक
मिनट मैं इसको सही से लिख दूं, हमें मिला ये -1, तो -1 हमारा क्वेश्चन हो गया, तो हमने क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, तो -1 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स के साथ, तो -1 इंटू एक्स इक्वल्स -x, और -1 इंटू +2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 लिख दिया। फिर हमें याद रखना है कि हमें साइन चेंज करना होता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी -2 है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो -x और ये +x, ये नया साइन हो गया ना अब, तो हम उससे डील नहीं करेंगे, वो पहले था, अब हमारा नया साइन ये है, तो ये -x और ये +x कैंसिल हो गया, ये +1 और ये +2 कितना आएगा, +3, यानी कि ये हमारा फाइनल रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब हम वेरीफाई कैसे करते थे, जब यहाँ करते थे, तो यहाँ करने के लिए हम यूज़ करते थे एक फॉर्मूला, डी इक्वल्स डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, डी हमारा कितना है यहाँ पे 20 है, इक्वल्स स्मॉल डी कितना है, यानी डिवाइज़र, डिवाइज़र हमारा 3 है, क्वेश्चन हमारा 6 है, ये रहा क्वेश्चन 6, और रिमाइंडर कितना है 2, तो 3 × 6 हो गया 18, और ये +2 इक्वल्स 20, यानी कि LHS इक्वल्स RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, डी इक्वल्स डी इंटू क्यू प्लस आर। सिमिलरली जब हम पॉलीनोमियल्स में डील करते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है PX इक्वल्स GX, GX हमारा हो गया क्या डिवाइज़र, इनटू QX, QX क्या है हमारा क्वेश्चन, और प्लस RX, RX क्या है हमारा रिमाइंडर। तो वेरीफाई कर लेते हैं, तो PX हमारा क्या है, PX जो है हमारा वो तो है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा, GX, GX क्या है अपना x प्लस 2 है, x प्लस 2 लिख लिया, इनटू QX, QX क्या है हमारा क्वोशेंट, यानी कि 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 आ गया, और फिर प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 3, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे, तो हमें यही वाला टर्म मिल जाएगा, ये PX मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो PX है वो क्या है, इस बार वो है 2x की पावर 4 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे -3x³ -3x² प्लस 6x-2, ये हमारा PX है। ठीक है, और GX जो है हमारा वो हमारे पास क्या है, x² -2। समझ में आया, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से यहाँ से करना, हमने लिख दिया पहले ये 2x² -3x³ -3x² प्लस 6x-2। ठीक है, अब हम इसको x² -2 को यहाँ लिख देंगे, फिर वही चीज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ PX लिखा हमने 2x4, इसको डिवाइड किया हाईएस्ट पावर ऑफ GX यानी कि x² से,
जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा और ये 2 से 2 आ जाएगा, हमें कितना मिला यहाँ पे 2x2। ठीक है, 2x2 मिला, हमने 2x2, सॉरी कोशेंट है ना, ये कोशेंट को हमने यहाँ लिख दिया 2x2। जब 2x2 को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x टू द पावर 4, तो 2x टू द पावर 4 आ गया। अब x2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो x2 वाला टर्म आएगा ना 2x2, और ये -2, तो कितना आएगा -4x2। तो स्क्वायर को स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, तो माइनस ऑफ 4x2। ठीक है, ये कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है साइन चेंज करना होता है, हमने प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। अभी हो गया +2x टू द पावर 4 और ये -2x टू द पावर 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये है -3x2 और ये है +4x2, तो कितना बच गया, x2 बच गया। ठीक है, x2 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम x2 को इस वाले gx के x2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ px की हाईएस्ट डिग्री लेंगे। हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, -3x3 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, -3x3 लिया हमने px का हाईएस्ट डिग्री वाला, और इसका है x2, x2 से डिवाइड किया। जब हम इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो कितना आएगा -3 ऑफ x, मतलब -3x। ठीक है, तो -3x आया, ये हमारा क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया -3 ऑफ x। ठीक है, और हम इसको तो एज इट इज उतार लेते हैं नीचे, -3x3 और ये है प्लस का x2। ठीक है, तो -3x को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -3x3, -3x3 यहाँ लिख दिया हमने। फिर माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा, राइट। तो इस वाले 6x के नीचे लिखेंगे इसको, +6x, और ये था ये भी +6x था। हमने अब यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज किया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, -3x3 +3x3 कैंसिल, और +6x और -6x ये भी कैंसिल, तो ये भी कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, x2, और यहाँ पे -2 है तो हम -2 भी नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे px की हाईएस्ट डिग्री क्या है, x2 है, तो हमने फिर से x2 को ऊपर लिखा, नीचे से डिवाइड किया इस वाले x2 से gx के, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और बच गया 1, +1। हमने इसको फिर से ऐड कर दिया कहाँ पे, qx में, यानी क्वेश्चन में। तो जब 1 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो आया x2, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आया -2। फिर साइन चेंज किया और दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमें क्या मिला, 0 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमारा ये जो x2 -2 ये आया, ये था हमारा क्या, जी एक्स। ठीक है, क्यू एक्स क्या है हमारा, हमारा 2x2 -3x+1, और रिमाइंडर हमारा 0 है इसलिए हम लिखेंगे नहीं आगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, हमने ये हमेशा नोटिस किया है कि जो रिमाइंडर होता है वो क्वेश्चन से हमेशा कम रहेगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ छोटा सा फिर से करके दिखाता हूँ, वही अपना जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया हुआ था कि 3 हमने यहाँ लिया, 3 6 18 आ गया और ये 2 बच गया, तो ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से तो हमेशा छोटा ही आएगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा रिमाइंडर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर एक्स होगा,
वो जी एक्स से छोटा होगा, है ना, या फिर आर एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, जैसे पिछले वाले में था, यहाँ पे जो क्या है अपना आर एक्स छोटा है इससे, जी एक्स से छोटा है ना, आर एक्स माइनस वन है, यहाँ पे जीरो नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला देखा हमने अभी, यहाँ पे आर एक्स जीरो आ गया, तो या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है आर एक्स और जी एक्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और करके देखते हैं हम, ठीक है। इसमें है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जी एक्स लिख लिया क्या, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये अपना जी एक्स है। और पी एक्स कितना है अपन हमारे पास, एक्स टू द पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो हम यहाँ पे पी एक्स लिख लेते हैं अपना, एक्स टू द पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जी एक्स लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, राइट। फिर वही चीज़ें करनी है, पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री एक्स फाइव, जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री एक्स थ्री किया तो क्या आएगा, एक्स टू आएगा। ये हो कैसे रहा है ये देखिए। जब ए अपॉन एक्स होता है और बी अपॉन वाई होता है, सॉरी बी नहीं, ए अपॉन वाई होता है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बेस सेम है ना, ये इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो बेस सेम है, ए टू द पावर एक्स है, यहाँ नीचे ए टू द पावर वाई है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, ये ए की पावर एक्स माइनस वाई, ऐसे होता है, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, वैसे यूज़ नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि डिवीजन के लिए यूज़ नहीं होता इसका, फिर भी अगर ए टू द पावर एक्स है और इन टू ए टू द पावर वाई है, तो इसको क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो ये एक्स प्लस वाई होगा। तो वही चीज़ हमने क्या की यहाँ पे किया, एक्स और एक्स सेम था बेस, तो यह वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो फाइव माइनस थ्री यानी कि टू, तो हमने टू लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, ये ए है, ठीक है। तो एक्स टू आया, तो एक्स टू क्या है अपना कोशेंट है, एक्स टू लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर वही क्यू एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स टू को जब एक्स थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स टू द पावर फाइव। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को इसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म कितना है माइनस थ्री एक्स, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस थ्री एक्स क्यूब। तो माइनस थ्री एक्स क्यूब हमने माइनस मतलब एक्स क्यूब के नीचे लिख दिया, एक्स क्यूब वाला टर्म यह था तो उसके नीचे लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है साइन चेंज करना, तो साइन हमने ऑपोजिट कर दिया, प्लस माइनस था तो मतलब प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा जीरो जीरो। यह है माइनस फोर एक्स क्यूब, यह है प्लस थ्री एक्स क्यूब, बचा कितना माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। फिर हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स क्यूब है, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब लिया,
और डिवाइड किससे किया, इस वाले से, जी एक्स के हाईएस्ट डिग्री से, एक्स क्यूब से। तो एक्स क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो रहा है वैसे ही, तो माइनस वन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना क्या मिला हमें, क्वेश्चन मिला है माइनस वन। फिर माइनस वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो माइनस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर माइनस वन इंटू माइनस थ्री एक्स, तो कितना आएगा थ्री एक्स। तो थ्री एक्स का टर्म थ्री एक्स के टर्म के सामने लिख देंगे, तो प्लस ऑफ थ्री एक्स, प्लस ऑफ थ्री एक्स कैसे आया, माइनस थ्री ये भी था ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस थ्री एक्स हो गया। और फिर माइनस वन और ये प्लस वन, तो माइनस प्लस माइनस वन, तो माइनस वन हो गया ये। फिर हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस थ्री एक्स है, ये माइनस थ्री एक्स है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये प्लस वन और ये भी प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ टू। तो ये हमारा आर एक्स हो गया। अब जो आर एक्स है वो जी एक्स से छोटा है, ये जो था हमारा जी एक्स था, ये था पी एक्स, और ये हो गया क्यू एक्स। ठीक है, और रिलेशन जो मैंने बताया था वो क्या होता है कि पी एक्स इक्वल्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इसी को जब हम उसमें लिखते हैं नॉर्मल डिवीजन में, तो ये हो जाता है हमारा डी, ये हो जाता है हमारा डिवाइजर, मतलब ये हो जाता है डिविडेंड कैपिटल डी, स्मॉल डी हो जाता है डिवाइजर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कोशेंट के साथ और ऐड कर देते हैं इसमें रिमाइंडर। ठीक है, ये सेम रूल यहाँ पे है। और एक और चीज़ जो हमने सीखी वो है दो कंडीशंस। वो क्या कंडीशंस थी, पहला या तो आर एक्स ज़ीरो होगा या फिर आर एक्स छोटा होगा जी एक्स से, यानी डिवाइजर से। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।